छत्ता थाना पुलिस और साइबर सेल टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी कागजात लगाकर बैंक से लोन के नाम पर रुपए निकालने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 6 लाख रुपए की नकदी, एक कार, चार मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। विगत दिनों छत्ता थाना क्षेत्र में फर्जी कागजात लगाकर लोन के नाम पर बैंक से लाखों रुपए निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। पुलिस टीम ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 6 लाख रुपए की नकदी, एक वैगनआर कार, चार मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि लोन का झांसा देकर वादी के फर्जी कागजात लगाकर बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए थे, जिसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चार अभियुक्तों को धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नहीं, मुझे नहीं थी उम्मीद, और कभी मैं कभी पुलिस थाने कभी कहीं गई ऐसे गई नहीं हूँ। अच्छा। आप भी समझ सकते हो, हम तो पुलिस के नाम से ही घबरा जाते हैं। अच्छा। पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो भी मैं इनके साथ घूमी वो सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया और कहा कि आप लोग कहाँ भागोगे, आप सीनियर सिटीजन हो, और सबने हमारी बहुत मदद की, सबने हमें गाइडलाइन दी, आप वहाँ जाओ, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, मतलब ऐसे हमें कोई वो नहीं हुआ। पर फिर भी हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें पैसे मिल जाएंगे या अपराधी पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत शातिर होते हैं लोग, तो यही एक्सपीरियंस था। पर मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत गदगद सी हो गई जब मुझे पता चला कि इस तरह से पहले तो अपराधी पकड़े गए, तो उस बात से एकदम से भौचक रह गई, और फिर उसमें पैसे मिल गए तो सोच भी नहीं सकते। दिनांक 9/8/2022 को थाना छत्ता पर अनिल कुमार जैन नामक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई और बताया गया कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और 6,20,000 उनके बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। इस पे मुकदमा पंजीकृत कर थाना छत्ता की पुलिस टीम लगातार लगी रही और जो पूरा डिटेल पता किया गया उसके मुताबिक कुछ इस प्रकार निकल कर आया कि इनके पास, जो वादी थे, उनके पास दो व्यक्ति आए थे जो अपने आप को ICICI बैंक का एम्प्लॉई बता रहे थे, और उन्होंने लोन दिलाने के नाम पे इन सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे और साथ में कैंसिल चेक कलेक्ट किए थे। पुलिस ने जब जांच पड़ताल स्टार्ट की तो उन्हीं कैंसिल चेक में से एक चेक से पैसा निकला था, और उसके बाद पुलिस जो भी साक्ष्य मिले सर्विलांस के माध्यम से और फुटेज के माध्यम से उनका अवलोकन कर पुलिस अपराधियों तक पहुंची और अपराधियों को गिरफ्तार की। और जो चार अपराधी गिरफ्तार किए गए उनका नाम है अशोक शर्मा पुत्र गोपाल दत्त, जो कि बुराड़ी न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं, कमल शर्मा पुत्र सुशील कुमार जो मोदी नगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, अनिल कुमार पुत्र राजकुमार जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और देवेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह ये गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से पैसे की बरामदगी की गई। जो कुल बरामदगी है वो 6,01,010 रुपये हैं, और उसके साथ जो कार DL-8CS-1488 जो कि इस फ्रॉड में प्रयुक्त में लाई गई थी, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। चार टच मोबाइल बरामद किया है और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये ICICI बैंक के एम्प्लॉई बनकर इनके पास आए थे इनको लोन देने के लिए और इनके पूरे प्रॉपर्टी का और इनके हैसियत का जांच करने के लिए। जांच करने के दरमियान इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और इनसे 3 चेक भी लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के और 3 चेक यस बैंक के लिए। और इन्होंने क्या किया था, जो चेक इन्होंने लिया था उसमें जो कैंसिल लिखने का जो शब्द है वो कैंसिल एक मैजिक पेन से लिखा गया था, बाकी जो वादी का जो ओरिजिनल साइन है वो एक डिफरेंट पेन से बनाया गया था, और जो कैंसिल लिखा गया था मैजिक पेन से वो कुछ दिन बाद वो स्वतः मिट जाता है और फिर उसको ओरिजिनल चेक की तरह बैंक में यूज़ करके पैसे निकाले गए थे। और ये लोग के खिलाफ हमें सभी साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर इनको गिरफ्तार कर और जेल भेजा जा रहा है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।